सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोग की, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर देना रेगुलर गेमिंग न्यूज और अपडेट्स के लिए। तो यार वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हम जॉनाथन के साथ। तो फर्स्टली जॉनाथन ने अपडेट दिया उनकी मॉम की हेल्थ का, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, और आप सबकी दुआ से यार वो फाइनली घर आ चुकी है एंड हेल्दी है, जिसपे जॉनाथन काफी खुश देखने को मिले। जॉनी ब्रो, मॉम की तबीयत कैसी है? गाइस भाई मजा आ गया पता है, कि कल मैं ऐसा बोला मॉम ने देखा एंड आज वो घर आ चुके हैं। सो थैंक गॉड, पहले भाई थैंक यू सो मच गाइस, जिन लोगों ने भी मुझे मोटिवेट किया, कि मेरे को खुद को थोड़ा बुरा फील हो रहा था क्योंकि घर पे भी कोई नहीं था। कल आपको ये बताया कि कल मैं अकेला था, गॉड और ये आए थे घर पे। सो आज फाइनली मॉम घर आ चुकी है, तो ऑब्वियसली मॉम स्ट्रीम देखती होगी। गाइस मॉम ओपी ठोको, माकिया ठोको विद हार्ट्स, लेट्स गो गाइस। ऑल्सो साथ ही गॉड लाइक के परफॉर्मेंस के बारे में जॉनाथन ने बात करी, जहां पर वो लाला की आईजिलिंग पर बात करते हैं। भाई कल लास्ट दिन है, आज आई गेस 11 या 12 पॉइंट के लीड से हम लोग फर्स्ट पे चल रहे हैं, तो आई गेस कल लास्ट दिन, आई होप सो कल भी हम लोग का दिन ऐसे ही पॉजिटिव वे में जाए एंड जीत जाए। समझ रहा आप क्या बोल रहा हूँ मैं? भाई आज लाला तो अलग ही आईजीएल कर रहा था, पता है गाइस, लाला तो ऐसा बूम बम चाइनीज रोटेशन देके भाई क्या जोन घुसा है भाई। गाइस लाला ओपी भाई, आईजीएल भाई खत्म भाई, नेक्स्ट लेवल, थैंक यू सो मच ब्रो। भाई पूरा हिला डाला विलेजर टूर्नामेंट में, कीप कीप अप द फॉर्म, थैंक यू सो मच ब्रो। कल ऑब्वियसली लास्ट दिन है, मजा आने वाला है। देखते गाइस आप लोगों के गेसेस क्या है, अभी फिलहाल मैं कुछ ऐसा वो नहीं दूंगा, बट बोल के नहीं, ठीक है, समझ रहा, डायलॉग समझ रहा, बोल के नहीं करके दिखाएंगे, तो सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो। और सर एक फनी सिनेरियो की बात करें तो गॉड लाइक के जीतने का सीक्रेट यार उनकी रोटेशन कॉल्स में ही है एंड वो आप देख सकते हो। अपन अभी थोड़ा इंटेंशनल था, अपन कुछ बोलते नहीं है, थोड़ा आपको सुनाई दे रहा है ना। एल पे रुक जाओ, बस यार इसी टाइप की कॉल दिया करो अपने टीममेट्स को, 10 या 30 किल का चिकन निकालोगे। खैर अब बात कर लेते हैं डायनेमो के बारे में। तो रिसेंटली डायनेमो ने सचिन तेंदुलकर सर के बारे में अपना एक्सपीरियंस की बात करी एंड शेयर किया कि उनको वहां पर कैसा लगा। हाँ, तो उन्होंने फ्यूचर प्लान्स के बारे में मुझसे पूछा, देन क्या करते हो, फिर हाइड्रा वाइड्रा के बारे में पूछा, तो यू नो लाइक बहुत सारी बातें हुई हमारी, ज्यादा 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं हुई। तो उसी बीच में मुझे फोटो भी क्लिक करना था उनके साथ, बात भी करनी थी, तो 10 मिनट तो मैक्स मैंने बोल दिया, 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं हुई है। और उसके बाद फिर वो अपने काम में लग गए, मैं अपने काम में लग गया, मजे लेकिन बहुत आए। अब बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो रिसेंटली स्काउट ने बीजमाई वर्सेस पबजी न्यू स्टेट पर अपना ओपिनियन दिया एंड कंपैरिजन पर उनके वर्ड्स आप देख सकते हो। न्यू स्टेट और डिफरेंसेस क्या लगे कि मैकेनिज्म तो ऑब्वियसली चेंजेस है, कि थोड़ा सा टफ लगा मेरे को न्यू स्टेट, उसमें थोड़ा टेक्निकलिटी ज़्यादा है, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा। न्यू ब्रिज हाँ यार, लोकेशन भी ऑब्वियसली है, बीजीएमआई बेटर है। देखो मेरे को लगता है कि बीजीएमआई ना, आप लोग अभी मैं भी बहुत यूज्ड हूँ, तो मेरे को भी न्यू स्टेट थोड़ा टफ हो रहा है अडेप्ट करने में, बट धीरे धीरे हो जाएगा यार। और सर स्काउट थोड़े से सैड नजर आए थे, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने ये कहा कि थोड़ा फैमिली स्टफ है, बस उसकी वजह से वो थोड़े से सैड है। अब बात कर लेते हैं स्नैक्स गेमिंग के बारे में। तो रिसेंटली आईएनडी की टीम परफॉर्मेंस पर काफी लोग स्नैक्स से क्वेश्चन कर रहे थे एंड स्नैक्स ने मैच्योरली रिप्लाई किया कि वो ये चीजें ऑन स्ट्रीम डिस्कस नहीं करते। डोमिनेशन ऑफ कोर्स वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, व्हाई वुड वी प्ले बैड वांटेडली, नो वन डज दैट राइट, सो वी आर ट्राइंग ब्रो। I don't discuss team talks and all on stream bro, I don't like that stuff, वो सब हम लोग हमारे टीम के अंदर ही ऑफ स्ट्रीम में डिस्कस करके बातचीत करते हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है वो क्या चल रहा है टीम में क्या हो रहा है, सब डिस्कशन मेरे को कॉन्ट्रोवर्सी वॉन्ट्रोवर्सी नहीं करनी, मेरे को ऐसा है कि पर्सनली सॉल्व हो जानी चाहिए वो सब चीज़ें, सब स्ट्रीम पे आपको बताऊं क्या क्यों नहीं कर रहे, क्यों अच्छा गेम नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, ये सब आप लोगों को बता के क्या करूंगा, फिर आप लोग कोच बन जाओगे सब, तो गलत चीज है।
अब बात कर लेते हैं मॉर्टल के बारे में। तो रिसेंटली जयपुर मीटअप में बीजमाई क्रिएटर्स ने वहां पर क्या क्या किया उसके बारे में वीडियो आ चुकी है बीजमाई के ऑफिशियल चैनल पर। एंड उसी वीडियो में एक चैलेंज भी है कि येस और नो बोलने पर एक मिर्च जिसमें यार एडिशनल स्पाइसेस डाले उसका एक बाइट खाना होगा। तो मॉर्टल से उनकी जीएफ के बारे में पूछा जाता है एंड ही सेज ही डज हैव, एंड वो सीन आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। हुआ ये था क्वेश्चन आया था गर्लफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड तो फिर वहां पे उन्होंने निकल गया क्या? तो उन्होंने बोला कि do you have girlfriends? Do you have a girlfriend? I do. फिर मैं बोला is she here? And is she here today? No. Oh shit! Oh, दिल में लग गया she is not here. हाँ खो गया. ऑल्सो मॉर्टल की बात हो रही है तो ओशन ने रिसेंटली मॉर्टल के बारे में बात करी एंड ये कहा कि वो टाइम था जब पीएमआईटी ग्रुप ए का फाइनल्स था, वो मॉर्टल के साथ एक लिफ्ट में थे कास्टिंग के बाद, तब मॉर्टल ने उनको अप्रिशिएट किया था कि वो बहुत बढ़िया कास्ट किए एंड आगे भी बहुत बढ़िया इवेंट्स आएंगे। एंड इसके बाद से ओशन ने यार हर दिन अपने आप का एक बेटर वर्जन ढूंढना और बनना शुरू कर दिया। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं भी चलता हूं और मिलता हूं सब वीडियो में। साइनिंग ऑफ।